नमस्कार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे, रोड शो शुरू, एयरपोर्ट स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। फारूक बोले, राम हिंदुओं के ही नहीं पूरी दुनिया के हैं। पीएम मोदी बोले, आर्टिकल 370 हमेशा के लिए चला गया। जम्मू एंड कश्मीर के लोग अपनी तकदीर लिखने को आजाद, विकसित भारत के लिए ज्ञान का फॉर्मूला दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया खड़के का जाना तय नहीं, जयराम रमेश ने कहा, सही समय आने पर पार्टी फैसला करेगी। उग्रवादी संगठन यूएलएफए और केंद्र सरकार के बीच शांति समझौता, 700 कैडरों ने भी किया समर्पण, 12 साल की बातचीत का नतीजा। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग, आईडीए के लिए चुनौती, ममता बोली, बंगाल में भाजपा से सीधी टक्कर, महाराष्ट्र में उद्धव गुट 23 सीटों पर अड़ा। नौसेना अफसरों के कंधों पर शिवाजी की राजमुद्रा की बैच, पहले ब्रिटिश अफसर नेल्सन की रिंग थी, रैंक के नाम भी बदले जाएंगे। नीतीश कुमार दूसरी बार जेडीयू के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोहर, ललन ने पद छोड़ा, खुद नीतीश का नाम प्रस्तावित किया था। कनाडा में बैठा गैंगस्टर लखबीर आतंकी घोषित, बब्बर खालसा से जुड़ा, एमएचए का एक्शन, मोहाली पुलिस हेडक्वार्टर अटैक का मास्टरमाइंड। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू, हाईकोर्ट पद से हटाने के दे चुका आदेश, सरकार को 4 जनवरी से पहले बदलना होगा। दिल्ली में नीतीश कुमार की बैठक, अलग अलग राज्यों के नेताओं से मुलाकात, जनवरी में झारखंड यूपी, फरवरी में हरियाणा में रैली, देश भर में चुनाव लड़ने की तैयारी। भारत फिलीपींस में नौसैनिक युद्धाभ्यास से चीन नाराज, कहा, हमारे मामले में तीसरा देश दखल ना दे, फिलीपींस चीनी क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा। ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा अर्जेंटीना, चीन ने सदस्यता के लिए सपोर्ट किया था, नए राष्ट्रपति बोले, वे हत्यारे हैं, उनके साथ काम नहीं करेंगे। एमपी में आज हो सकता है मंत्रियों को विभाग बंटवारा, अमित शाह नड्डा से मुलाकात के बाद दिल्ली में ही रुके सीएम यादव, लौटने के बाद ऐलान संभव। वंदे भारत को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, अयोध्या से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, रेलवे की तरफ से अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ। जीतानाम मांझी ने ललन सिंह को हटाने का राज खोला, बोले, तेजस्वी को सीएम बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे, 13 विधायक आरजेडी में जाने वाले थे। पटना की महिला के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, पैन कार्ड अपडेट के नाम पर उड़ाए 50,000, साइबर थाना में मामला दर्ज। बिहार में घने कोहरे का अलर्ट, कई ट्रेनें लेट, सहरसा में 9 डिग्री तक लुट का पारा, प्रदूषण बढ़ा, प्रदेश की 6 शहर रेड जोन में। बीपीएससी ऑडिटर भर्ती का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 16 से इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा में 373 उम्मीदवार हुए सफल, 138 पदों के लिए निकली थी वैकेंसी। भारतीय अंडर 19 टीम ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया, आदर्श सिंह ने लगाया नाबाद शतक, सौम्य पांडे को मिली 6 सफलताएं। मुन्ना भाई 3 पर राजकुमार हिरानी ने दिया अपडेट, बोले, अधूरी पड़ी है 5 स्क्रिप्ट्स, डंकी खत्म हुई, अब पुरानी कहानियों का पिटारा खोलूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीटीओ न्यूज़।